हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसके जो प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन है जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम हुए थे तो उनके जो प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस है उनका जो कलेक्शन है वो आपके लिए लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, किस मोटर का उपयोग ट्रैक्शन के लिए होता है? तो जो ट्रैक्शन है, ये ट्रैक्शन होता है कि आपका जो रेलवे में जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है तो उसे ट्रैक्शन कहा जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका यूज जो है रेलवे यानी ट्रैक्शन में होता है। तो शॉर्ट आपका जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट फ्रंट मोटर, सीरीज मोटर, लॉन्ग फ्रंट मोटर या शंट मोटर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरीज मोटर। जो सीरीज मोटर होती है उसका जो है यूज रेलवे में जो भी ट्रैक्शन होता है, जैसे मेट्रो हो गया, रेलवे होगा, उसमें ट्रैक्शन है आपकी सीरीज मोटर का यूज होता है। मैं जो है आपको क्वेश्चंस पढ़ूंगा और फिर उससे जो ऑप्शन पढ़ूंगा और फिर आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आपको आंसर सोचने के लिए और फिर उसका सही आंसर बताऊंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र सिलिका जेल होता है, आपको बताना है कि जो वेट सिलिका जेल होता है उसका कलर कैसा होता है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी नीला। और इसका सही आंसर होगा कि जो आर्द्र यानी वेट सिलिका जेल होता है उसका जो कलर होता है वो होता है गुलाबी। तो ये और इससे एक क्वेश्चन और पूछा गया, पहले आपको इसको बता देता हूँ कैसा होता है सिलिका जेल। तो ये रहा आपका आर्द्र सिलिका जेल। आज सिलिका जेल जो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं उस ट्रांसफॉर्मर में जो है ये सिलिका जेल का यूज होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका, सिलिका जेल का यूज कहां पर होता है? इसका यूज ट्रांसफॉर्मर में होता है। और इसका यूज ट्रांसफॉर्मर में हम क्यों करते हैं? आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपकी जो ट्रांसफॉर्मर में जो एयर जाती है उसको जो है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उस कंटेंट को रोकने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जेल का यूज करते हैं। तो इसका जो कलर होता है वो पिंक यानी गुलाबी हो जाता है जब ये पूरी तरह गीला हो जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ये गीला नहीं होता है यानी ड्राई होता है, ड्राई मीन्स अभी तो ये आर्द्र में जो है आपका पिंक कलर का हो गया, परंतु अगर ड्राई यानी सूखा होगा ये तो इसका कलर कैसा होगा? अगर ये सूखा होगा तो इसका कलर जो है ब्लू यानी नीला, इसका कलर जो है नीला जो ये पत्ती दिख रही इस टाइप में ब्लू कलर का ये हो जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये सूखा होगा तो इसका कलर नीला होता है और अगर गीला हो जाए इसका कलर जो है पिंक कलर का हो जाता है, जो जैसे कि अभी वीडियो में आपको इमेज में दिख रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका यूज कहां पर होता है, तो इसका यूज ट्रांसफॉर्मर में मॉइस्चर जो होती है एयर की होती है उसे बाहर निकालने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन को क्या कहते हैं? तो आपने जो ट्रांजिस्टर देखा होगा आपके उसमें ऐसा कुछ देखा होगा, उसके 3 रीजन होते हैं। ये राजस्थ अगर ये एनपीएन है तो ये होगा आपका एन, ये हो गया पी और ये हो गया आपका फिर एन। तो आपका जो एनपीएन होगा उसमें जो ये पी वाला रीजन है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन सी बेस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब होगा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो पी रीजन होता है उसे बोलते हैं बेस, बेस, बी फॉर बेस। तो अभी आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये रहा, देखिए आप ये इमेज है, ये आपका एनपीएन है, ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया। तो ये जो एनपीएन हो गया से पी वाले को ये आपने लिखा गया हाईलाइट किया है बेस बोलते हैं। अभी आपसे पूछे जो ये एन होता है इसे कलेक्टर बोलते हैं, ये एमिटर यानी ये उत्सर्जक होता है, ये संग्राहक होता है। और जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये तो आपका एनपीएन और दूसरा होता है आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी। तो अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर पूछे तो कैसा होगा? तो पीएनपी में होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे पी होगा। तो ये हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आपको अब समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाला डायोड कौन सा है? तो आपको बताना है कि वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड प्रयुक्त होता है? चैनल डायोड, जंक्शन डायोड, क्रिस्टल डायोड या टनल डायोड। और इसका सही जवाब है कि जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें आपका जेनर डायोड यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनर डायोड। और ये सारे क्वेश्चन आपके जितने भी आईटीआई से जो आप जिसमें आपकी आईटीआई की क्वालिफिकेशन मांगी थी वो एग्जाम हुए थे उनमें आए थे, तो उनको लिया गया है। तो काफी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस इलेक्ट्रीशियंस के वीडियोस अपलोड किए थे? तो हाँ, जरूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं वो सारे या तो आईटीआई के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन होते हैं, या जो आईटीआई के जो आपके आईटीआई में जिसमें क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगी जाती है टेक्निकल एग्जाम्स में उनके क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो आपसे कभी पूछा जाए कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन जेनर डायोड का सिंबल है, तो जेनर डायोड का इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, तो आपको पता होना चाहिए जेनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज रेक्टिफायर में होते हैं, तो आपको बताना है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 2 डायोड, ऑप्शन बी 8 डायोड, ऑप्शन सी 4 डायोड या ऑप्शन डी 5 डायोड। और इसका सही जवाब है, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है आपका उसमें आपके टोटल 4 डायोड यूज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लें कि ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं। आइए देखते हैं आपका कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसा होता है। तो आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये जो साइन है ये आपका एसी वेव साइन सूडल का साइन है, यानी यहाँ पे हमने एसी इनपुट दिया है, तो ये एसी का साइन है, यहाँ पे हमने इसे एसी इनपुट प्रोवाइड किया है। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका डी1, आपका फिर डी2,
D3 एंड D4, तो ये आपके ये चार ये डायोड लगे हैं, D1, D2, D3, D4, ये आपके चार डायोड लगे हैं और ये यहाँ पे आपका लोड है। तो आपके जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, अब आपको इमेज भी दिख गया होगा, उसमें D1, D2, D3 एंड D4 टोटल चार डायोड यूज होते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को किससे प्राप्त कर सकते हैं? आपको बताना है कि जो विद्युत वाहक बल यानी EMF बोलते हैं, इसे EMF शॉर्टकट में बोलते हैं, EMF, तो EMF को किससे प्राप्त कर सकते हैं आपको बताना है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपको बताना है EMF, तभी ऐसा ही पूछा जा सकता है कि ये होगा आपका EMF। EMF किससे प्राप्त करते हैं, सेल से, जनरेटर से, बैटरी से या सभी से? और इसका सही जवाब होगा, जो विद्युत वाहक बल यानी EMF होता है वो सभी से प्राप्त होता है, सेल से भी, जनरेटर से भी एंड बैटरी से भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचलोज रिले का प्रयोग होता है कहां पे, कौन से ट्रांसफार्मर में बचलोज रिले का प्रयोग होता है आपको बताना है, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, फर्नेस ट्रांसफार्मर में या किसी में भी नहीं इनमें से? और आपका सही जवाब होगा, जो बचलोज रिले होता है ट्रांसफार्मर में, उसका यूज हमेशा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर यानी जो जिसमें कूलिंग का काम ऑयल का करता है, वहां पे आप बचलोज रिले का यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र के प्लेटों के आवेश को समीकरण इस समीकरण से निकालते हैं। आपको बताना है कि जो आपकी संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उसमें जो आपका आवेश होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q=IB, Q=IC, Q=CV या Q=VR। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और आपसे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। और इसका सही जवाब होगा, इसका आवेश निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है Q=CV। इसको आप याद कर ले या नोट डाउन कर ले, आवेश निकालने का फॉर्मूला Q=CV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? अर्धचालक, चालक, कुचालक या कोई भी नहीं? और इसका सही जवाब होगा, जिस मटेरियल में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन मटेरियल्स को बोलते हैं चालक, यानी इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं कंडक्टर और इसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो जो पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसे बोलेंगे ऑप्शन बी, चालक यानी कंडक्टर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव यूज नहीं होता है? यहाँ पे उसे हो गया, यहाँ पे होगा यूज नहीं होता है। तो आपको बताना है, इनमें से एक ऐसा है जिसमें उष्मा उस धारा के करंट का जो उष्मीय प्रभाव होता है, उसका प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी गीजर, ऑप्शन सी इस्त्री यानी प्रेस बोलते हैं जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, ऑप्शन डी हीटर। तो वैसे आपको ये तो समझ आ गया होगा ऑप्शन देख के, जो सेल होता है उसमें धारा यानी करंट का, विद्युत का उष्मीय प्रभाव यूज नहीं होता है। बाकी गीजर में भी जो धारा होती है वो आपकी हीट में कन्वर्ट होती है, प्रेस जो कपड़े करने वाली वो गर्म होती है, उसमें भी हीट में कन्वर्ट होती है, और हीटर तो आपको पता है उसमें भी जो है आपकी धारा उष्मा में कन्वर्ट होती है, जबकि सेल में जो है केमिकल रिएक्शन से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इसका आंसर होगा सेल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेनर डायोड को संयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है जेनर डायोड को कैसे संयोजित करते हैं, फॉरवर्ड बायस में, सीरीज में, रिवर्स बायस में या नन ऑफ बीच? और इसका सही जवाब होगा, हमेशा जेनर डायोड को जो है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जेनर डायोड जो है हमेशा रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संबंधित कार्यों के लिए कौन सी छेनी यूज करते हैं? तो ये आपका यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी आपका CVT2 में आएगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो इनमें से विद्युत संबंधी कार्यों के लिए कौन सी छेनी का यूज करते हैं? छेनी को इंग्लिश में चीजल बोलते हैं। तो आइए बताइए, फर्मर छेनी, गर्म छेनी, ठंडी छेनी या नन ऑफ दीज? तो आपको बताना है कौन सी छेनी यहाँ पर यूज होगी। और इसका सही जवाब है, जो विद्युत संबंधी कार्य होते हैं उसमें हमेशा ऑप्शन ए, फर्मर छेनी का यूज किया जाता है। तो ये आपका टूल से रिलेटेड क्वेश्चन था ITI का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के विद्युत विभव कितना होता है? आपको बताना है कि पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, उच्च, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी जीरो या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? और इसका सही जवाब होगा, पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है वो होता है हमेशा जीरो, ऑप्शन सी जीरो, पृथ्वी का विद्युत विभव जीरो होता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? जो फॉर्म फैक्टर होता है, तो एसी परिपथ में इसका मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 1.11, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 1.65। तो आपको बताना है सही जवाब।
और इसका सही जवाब होगा जो एसी परिपथ में जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका जो है मान होता है ऑप्शन नंबर बी 1.11। तो याद रखना एसी परिपथ में जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है ऑप्शन बी 1.11। आप जो क्वेश्चन आपको नए लगे और वो क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें या वीडियो को दोबारा जरूर देखें जिससे कि आपको ये याद हो जाए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है, यानी जेनर डायोड मेनली क्या काम करता है। आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है, इनपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है, सोर्स वोल्टेज को स्थिर रखता है, या डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है जेनर डायोड क्या करता है। और इसका सही जवाब होगा जो जेनर डायोड होता है उसका जो मेन वर्क होता है वो होता है आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट यानी स्थिर रखना। आउटपुट वोल्टेज को जो है कॉन्स्टेंट रखने का कार्य जेनर डायोड करता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज टेस्टर का प्रयोग किस वोल्टेज से ऊपर नहीं करना चाहिए, यानी मिनी जो मैक्सिमम वोल्टेज है जहां पर फेज टेस्टर का यूज किया जाता है वो क्या है। ऑप्शन ए 300 वोल्ट, ऑप्शन बी 500 वोल्ट, ऑप्शन सी 1000 वोल्ट या ऑप्शन डी 700 वोल्ट। तो आपको बताना है फेज टेस्टर का प्रयोग कितने वोल्ट से ऊपर नहीं करना चाहिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 500 वोल्ट। जो फेज टेस्टर होता है वो मैक्सिमम 500 वोल्ट तक यूज किया जाता है, उससे ऊपर हम फेज टेस्टर का यूज नहीं करते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में अमीटर को लगाते हैं। अमीटर होता है आपका जो उसके अंदर जैसे इसका सिंबल होता है इस तरह से ए लिखते हैं गोले के अंदर, तो इसे अमीटर बोलते हैं। इससे इलेक्ट्रिक करंट को जो है मेजर करते हैं। तो आपको बताना है अमीटर जो है किसी भी परिपथ में कहां पर लगाते हैं, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, समांतर क्रम में, पैरेलल में, या कहीं भी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अमीटर कहां पर लगाते हैं। तो इसका सही जवाब है जो अमीटर लगाया जाता है वो हमेशा सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो याद रखना कि जो किसी भी सर्किट में जो अमीटर हम लगाते हैं तो उसे हमेशा सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो आपको बताना जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकशीलता कितनी होती है, एक से कम, एक, ऑप्शन सी 0 या ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो आपको बताना है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। और इसका सही जवाब है जो फेरोमैग्नेटिक जो है मटेरियल्स होते हैं उनकी चुंबकशीलता हमेशा 1 से अधिक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। और एक बात और, जो लोग अभी नए हैं जिन्होंने अभी तक क्या ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टेंस का चिन्ह क्या होता है। आपको बताना है इंडक्टेंस की जो है हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी एच या ऑप्शन डी बी। तो आपको बताना है इंडक्टेंस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सही जवाब है जो इंडक्टेंस है इसको हमेशा ऑप्शन ए एल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडक्टेंस का जो सिंबल है वो है ऑप्शन ए एल। याद रखना ऑप्शन ए एल से इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन फेज, आपने नाम सुना होगा थ्री फेज सिस्टम, तो तीन फेज में जो आपका सीक्वेंस यानी क्रम है वो क्या है। आपको बताना है ए बी सी, पी क्यू आर, आर वाई बी या ऑल। तो आपको बताना है थ्री फेज सिस्टम में सीक्वेंस क्या होता है। और इसका सही जवाब है जो तीन फेज होता है उसमें सीक्वेंस होता है आर वाई बी। आर फॉर होता है रेड, आपका आर फॉर रेड होता है, बी वाई फॉर येलो होता है, एंड बी फॉर होता है ब्लू, बी फॉर ब्लू। तो ये होता है आपका थ्री फेज सिस्टम में क्रम यानी सीक्वेंस। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, यानी आपको बताना है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, क्या बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज को, पावर को या करंट को। और आपका सही जवाब होगा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा ऑप्शन बी वोल्टेज को स्टेप अप यानी बढ़ाता है। तो ये तो आपको ये जो भी क्वेश्चन आए स्टेप अप यानी अप यानी बढ़ाना, ऊपर करना, तो अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है। और अगर आए डाउन, दूसरा होता है स्टेप अप डाउन यानी स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन माने कम करना, नीचे जाना, तो वो क्या करेगा आपकी वोल्टेज को घटाएगा। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन गया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपकी वोल्टेज को घटाता है। तो ये आपका दूसरा फैक्ट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या बराबर होती है, यानी जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें ब्रश की संख्या किसके बराबर होती है। तो आपने सुना होगा एक आपकी लैप वाइंडिंग होती है और दूसरी आपकी वेव वाइंडिंग होती है। आपने पढ़ा भी होगा लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, जो आपकी इलेक्ट्रिक मशीन होती है। तो आपको बताना है कि लैप वाइंडिंग बराबर क्या होता है, पोलों की संख्या के, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 1।
और इसका सही जवाब होगा जो लैब वाइंडिंग होती है उसमें जो ब्रश होते हैं उनकी टोटल जो संख्या होती है वो ऑप्शन ए जो टोटल स्पोल होते हैं उसके बराबर होती है, यानी जो ए हो गया ए इक्वल टू इसमें पी होता है। याद रखना ऐसा भी पूछा सकता है कि किसमें ए इक्वल टू पी होता है, तो ए इक्वल टू पी यानी ब्रशों की संख्या जो पोल्स की संख्या के बराबर जो लैब वाइंडिंग होती है उसमें होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर निर्भर करता है, यानी जो रेक्टिफायर होता है वो किस पर निर्भर करता है आपको बताना है, रेजिस्टेंस पर, ट्रांजिस्टर पर, ऑप्शन सी डायोड पर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है रेक्टिफायर किस पर डिपेंड होता है। और इसका सही जवाब है जो रेक्टिफायर होता है वो हमेशा ऑप्शन सी डायोड पर डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोटर में दो पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी जो मोटर होती है तो इनमें से वो कौन सी मोटर है जिसमें दो पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी लॉन्ग शंट मोटर, या ऑप्शन डी शॉर्ट शंट मोटर। तो आपको बताना है किस मोटर में दो पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीरीज मोटर। जो सीरीज मोटर होती है उसमें हमेशा दो पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्विच लगा होता है घरों में वो कहां पर लगा होता है, कौन सी वायर में लगा होता है, ये आपको बताना है। न्यूट्रल वायर में, ऑप्शन बी फेज वायर में, ऑप्शन सी दोनों में यानी किसी पर भी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो आपको बताना है स्विच कहां पर लगाते हैं। और इसका सही जवाब है जो स्विच लगा होता है वो हमेशा आपका ऑप्शन नंबर बी फेज वायर होती है, जो उसमें हमेशा स्विच को लगाया जाता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रश किस मटेरियल का बना होता है, जो ब्रश बने होते हैं आपके मशीन्स में इलेक्ट्रिक मशीन्स में वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्बन एंड ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लेड, या ऑप्शन डी टिन। और आपका सही जवाब होगा जो ब्रश बने होते हैं वो हमेशा या तो कार्बन या तो ग्रेफाइट यानी ऑप्शन ए से बने होते हैं। तो याद रखना जो ब्रश होते हैं वो कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टॉम टेस्टर, यानी एक टेस्टर का प्रकार है, यानी एक टेस्टर का एक टाइप है। तो जो टॉम टेस्टर होता है इसका यूज क्या मापने में करते हैं, तो आपको बताना है टॉम टेस्टर यूज्ड फॉर विच मेजरमेंट, फॉर विच। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी पावर, या ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है कि ये टॉम टेस्टर कहां पर यूज होता है। और इसका सही जवाब होता है जो टॉम टेस्टर होता है वो यूज होता है आपका ऑप्शन बी करंट, यानी जहां पर करंट को आपको मेजर करना होता है वहां पर हम टॉम टेस्टर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जो प्रीवियस जो आईटीआई के टेक्निकल एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। तो आप इन क्वेश्चन जो आपको नए लगे, आप जो जो पहली बार देखे हैं उनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में होते हैं, तो आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, आपको बताना है। एक पीएन जंक्शन, तीन पीएन जंक्शन, ऑप्शन सी दो पीएन जंक्शन, या ऑप्शन डी चार पीएन जंक्शन। तो आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। और इसका सही जवाब होगा जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें हमेशा दो पीएन जंक्शन होते हैं। अभी आप एक क्वेश्चन था आपको बताया था जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं, कैसे, देखिए कि यहाँ पे पी होता है या एन होता है, और यहाँ पे पी होता है। तो ये पीएनपी जो आपको बताया था ये एन, यहाँ पे जो बेस था तो वो हो गया पीएनपी। तो आप यहाँ पे जो पीएन जंक्शन भी ये हो गया एक, ये दो पीएन जंक्शन होते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नाइट्रोम होती है वो मिश्र धातु होती है, तो किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए निकिल व क्रोमियम, ऑप्शन बी निकिल व कॉपर, ऑप्शन सी निकिल व एल्युमिनियम, ऑप्शन डी निकिल व टिन। ये क्वेश्चन तो काफी एग्जाम्स में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। तो आपको बताना है नाइट्रोम मिश्र धातु किसकी बनी होती है। और इसका सही जवाब होगा जो नाइक्रोम बनी होती है आपको शायद पता भी होगा, निकिल एंड क्रोमियम। ऑप्शन ए निकिल और क्रोमियम की आपकी जो है नाइक्रोम धातु बनी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निकिल एंड क्रोमियम। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ाने पर, यानी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कार्बन, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी अगर हम तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ा दें हम इसका कार्बन का, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, या ऑप्शन डी जीरो हो जाएगा। तो आपको बताना है टेम्परेचर बढ़ाने से कार्बन का रेजिस्टेंस क्या होगा। और इसका सही जवाब है जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कार्बन होगा उसका प्रतिरोध हमेशा घटता है। क्यों घटता है, इसका कारण यह है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, गतिमान हो जाना, तो उनकी मोबिलिटी जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गतिमान हो जाते हैं। तो इससे उसकी जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी कंडक्टेंस यानी चालकता बढ़ जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा कि टेम्परेचर जब भी हम बढ़ाएंगे तो कार्बन का प्रतिरोध हमेशा कम हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल मोटर कार्य करती है, किस पर कार्य करती है? ऑप्शन ए एसी पर, ऑप्शन बी केवल डीसी पर, ऑप्शन सी दोनों यानी एसी और डीसी दोनों पर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है यूनिवर्सल मोटर्स वर्क एट, और इसका सही जवाब होगा जो यूनिवर्सल मोटर है, इसका नाम से ही पता चल रहा होगा यूनिवर्सल। आपको ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, नाम देख लो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माने सब जगह यूज होती है, तो यूनिवर्सल मतलब एसी पर भी यूज होगी डीसी पर भी, यानी सब जगह यूनिवर्सल मीन्स जो सब जगह विद्यमान रहता है। तो जो यूनिवर्सल मोटर होगी आपकी एसी और डीसी दोनों पर काम करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों पर काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें। तो यूनिवर्सल मोटर आपकी एसी पर भी काम करती है, डीसी पर भी काम करती है।